मुझे एक बात बताओ, तुम मेरी लास्ट वीडियो में क्या कमेंट कर रहे थे कि भाई गौरव भाई ने दोनों हाथों में घड़ियां पहनी, आशीष भाई देखी आपने? यार तुम भूल गए कौन है वो लाडला, वो भी दिल्ली और गुड़गामा का भाई। वो बंदा एक हाथ में घड़ी पहने, दोनों हाथ में घड़ी पहने, गर्दन में घड़ी टांग ले या फिर भाई कानों में बाली की तरह घड़ियां टांग ले, भाई जो बंदा ना थार पे फॉइल पेपर चढ़ा सकता है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है भाई। उसको कोई भी ऐसी अंदरूनी या बाहरी शक्ति भाई नहीं रोक सकती। मजे लेने लग जा तो हर किसी से भाई, लेवल तो देखो एक बार उसका, रजवाड़ों के खानदान से वो किसी दिन घर से उठा लेगा ना तुम्हें, करते रहोगे मम्मी मम्मी बचा लो। बात तो सही है। अरे यार मैं टॉपिक से भटक गया, लेकिन भाई तुम्हें पता चला कि हमारे यूके के उभरते बदमाश ने फिर से रख लिया है मैटअप। और मैटअप भी कोई ऐसा वैसा नहीं, ऐसा मैटअप जिसमें ना भाई मैटअप में आने वाले बंदों के डंडे पड़े हैं भाई पुलिस के। मैटअप पे हो गया लाठी चार्ज भाई, फुल डंडे वंडे दे रही है पुलिस वाले, डंडे दे रहे हैं। तुझे भी लेके गए भाई घर पे अपने, मतलब कती जिसे कहते ना भाई सिस्टम हैंग कर दिया भाई। और सिस्टम हैंग क्यों कर दिया? क्योंकि अपने उभरते हुए यूके के बदमाश के साथ अपने सिस्टम के ब्रांड एम्बेसडर भी जा रहे थे। सिस्टम हैंग कर देना 5 बजे पर हम लोग ना कल रात यहाँ पर पहुंच गए थे, एंड कल रात पहुंचने के बाद गाइस लोगों को लोकेशन पता लग गई थी, हम लोगों ने इंस्टाग्राम में स्टोरी नहीं डाली थी पर वहाँ चल। हाँ भाई भाई ये बात तो यूके भाई ने ना बिल्कुल गीता पे कसम खा के भाई एकदम सच बोली है भाई। यूके भाई ने किसी को नहीं बताया था कि यूके भाई कहाँ पे मीठा बरख रहे। हम जा रहे भाई जयपुर। जयपुर से जितने भी लोग देख रहे ना, इस बार हम लोग सोच रहे हैं मीटअप रख ले, हम दोनों मीटअप रख ले, क्या बोलते हो जयपुर के लोगों? देखा होगा आज इकट्ठा है जिसकी बात कर रहा था ना, वो एक्चुअली हमारे बगल में रहने वाली 95 साल की बुढ़िया थी, वो कल ही गुजर गई। ये लोग सुबह से बैठे हुए यहाँ पर भाई, जिस तरीके से यूके भाई ने बोला ना कि सुबह से बैठे हुए यहाँ पर, पता है कैसी फीलिंग आई मेरे को? जो पुराने जमाने में अंग्रेज सुबह सुबह आके ब्रेड के टुकड़े नहीं फेंकते थे गरीबों के ऊपर और वो झुंड बना के एक दूसरे से लड़ते थे ब्रेड के टुकड़े छीनने के लिए, बिल्कुल वैसी फीलिंग आई है मुझे यूके भाई की ये बात सुन के। सुबह से बैठे हुए हैं ये लॉन्डे, सुबह से नीचे खड़े गए, शादी शुदी हो रही यहाँ पर। देखो भाई लोग नीचे भाई वहाँ जाओ रोड ब्लॉक करने, मतलब देख रहे हो भाई ये होते हैं इन्फ्लुएंसर भाई, देख रहे हो कितनी बढ़िया चीज सिखा दी यूके भाई ने उन बंदों को, भाई वहाँ पे जाओ रोड ब्लॉक करने। भाई यही तो काम है भाई इन बेरोजगारों का भाई, रोड ब्लॉक करना। मतलब पहले तो ये बंदे लोगों से ऐसे काम कराते हैं और उसके बाद जब पुलिस वाले इनमें छापे टिकाते ना कि भाई तुमने रोड ब्लॉक करा रखी है तो भाई, तो भाई ये भोले बच्चे बन जाते कि भाई हमें क्यों बोल रहे हो यार, भाई वहाँ जाओ रोड ब्लॉक करने। अरे यूके भाई यार सिस्टम हैंग मत कराओ यार भाई, मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट है भाई यार, रोड ब्लॉक मत कराओ भाई। भाई वहाँ जाओ, वो हम टनल से निकलेंगे, टनल से निकलेंगे। मैं भाई ये क्या कोई ऐसा कोई खजांची बाब आएगा जो तुम इसे टनल से निकालोगे? मतलब कि कोई 70 साल पुराना खजाना लेके निकलेगा अपने साथ? ऐसे लग तो रहा है दिखने में खजांची बाबा। तो हेमलोजी भाई ये क्या नई बीमारी है भाई, हेमलोजी, कभी पुई कभी हेमलोजी, मतलब यूके भाई क्यों क्यूट बनने की कोशिश करते हो तुम? ऐसी दाढ़ी के साथ कोई नहीं लग सकता भाई क्यूट। हो ही रहा है महाराज कलेश सीन, और अब तो हम लोग हथकड़ी लगा करके जा रहे हैं सिद्धू मूसे वाले जी स्टाइल में भाई। ओहो भाई सिद्धू मूसे वाला जी स्टाइल में, कहा हो सिद्धू मूसे वाला और कहा भाई ये बाबू भैया इसे ना हथकड़ी बना के घर पे रखा करो, कम से कम लोगों को सड़कें तो खाली मिलेंगी भाई साहब। हम लोग एक कलेश और कर रहे हैं, हम लोग लेकर के जा रहे अपनी मस्तांग जीट। भाई यार इस बंदे को भाई सारे ही कलेश करने हैं भाई। यूके भाई सही बता रहा हूँ, अभी तक तो पुलिस वाले खाली तुम्हें डांट ही रहे थे, अब वो टाइम दूर नहीं जब वो तुम्हारी चोटी पकड़ कर ना अपनी जीप पे पोछा लगवाएंगे तुम्हारी थूत से। यार इन बेरोजगारों को काम धंधा स्पॉन्सर कर दो यार भाई। भाई तो क्यों खड़ा था 4 बजे से? भाई 4 बजे का तू भाव भैया की मुस्टैंग का टायर खोलने आया था क्या? जाता है यार बिकॉज आगे पीछे ना कोई भी चले जाता है, एंड वी रियली डोंट वांट कि किसी के लगे लुगे गाइस, खासकर अपनी जीटी के। मीटअप पे हो गया लाठी चार्ज भाई, फुल डंडे वंडे दे रही है। भाई इधर यूके भाई को अपनी मुस्टैंग की चिंता हो रही है कि उसके कोई लगे वगे ना, और भाई इधर जो बंदों में डंडे लग रहे हैं वो कौन देखेगा यार यूके भाई। भाई एक बार पुलिस वाले देखना यहाँ पे, अगर तुम गिनती भी नहीं कर पाओगे यहाँ पे इतने ज्यादा पुलिस वाले हैं। सोचो भाई ये सारे के सारे बंदे इस समय भाई क्रिमिनल को पकड़ने की जगह, चोरों को पकड़ने की जगह बाबू भैया की बेरोजगारों की भीड़ साफ कराने में लगे हुए हैं बेचारे। अब भाई मतलब शहर में जो क्राइम वगैरह हो रहा हो वो मतलब क्या दूध वाले रोकेंगे क्या भाई जाके? बेचारे वो भी सोच रहे होंगे कि भाई क्या इन्हीं बकचोद कामों के लिए हमने भर्ती ली थी क्या पुलिस में? भाई ऐसा लग रहा है कि चींटियां मंडरा रही है चीनी के दाने के आसपास। हाँ भाई क्या गर्मा गर्म डंडे पड़ रहे हैं भाई इन बेरोजगारों को, मतलब कलेजे को ठंडक मिल गई भाई। मतलब जितने लोगों का इन्होंने टाइम खराब किया है ना, तो एक दो डंडे तो बनते ही यार इनके हिस्से में। एक तो इधर एक भी ऐसा बंदा है जो बिना फोन के घूम रहा हो, सारे के सारे अपने फोन दिए जा रहे हैं बाबू भैया के मुंह के अंदर। भाई इन बंदों को घंटा मतलब नहीं है बाबू भैया से, इन्हें बस मतलब है कि बस बाबू भैया की थूत दिख जाए हमारी वीडियो के अंदर, 2-4 हजार व्यूज आ जाए हमारे पास, हम बन गए यूट्यूबर।
ओए ओए भाई देखना जरा इसको भाई कितनी जंग लड़के आए बंदा यहाँ तक। इसकी शक्ल देख के मुझे लग रहा है कि पुलिस वालों ने कम से कम 4-5 डंडे तो जरूर पेले होंगे इसके अंदर। और जरा यूके भाई का टाइटल देखो जरा इस वीडियो का, सोचा नहीं था अपनी मुस्टैंग जीटी के साथ ऐसा करेगी पुलिस जयपुर मीटअप में। मतलब लिटरली ना भाई इस पूरी वीडियो में ना पुलिस वालों ने इस बंदे की मुस्टैंग जीटी को ना बचाया है इन दरिंदों से। और उसके बाद इस बंदे ने टाइटल ऐसा लिखा पता नहीं पुलिस वालों ने इसकी मुस्टैंग जीटी के साथ क्या कर दिया। इस बंदे ने पुलिस वालों से अपनी बाबू आर्मी की सर्विस करवा दी, लेकिन भाई उसका कोई दुख दर्द नहीं है हमारे बाबू भैया को। बाबू भैया को तो अपनी मुस्टैंग जीटी का दर्द है जिसके साथ कुछ हुआ भी नहीं। जिंदगी का सबसे शॉर्टेस्ट मेरा तो क्या ही मीटअप था गाइस। भाई ये बंदे सुबह से भूखे पेट सड़कों पे मंडरा रहे हैं पुलिस के डंडे खाते हुए, सिर्फ किस लिए? यूके भाई की गाड़ी के दरवाजे पीटने के लिए। मतलब यूके भाई ने तो अपनी गाड़ी से नीचे उतरना भी जरूरी नहीं समझा इन बंदों के लिए। खाली यही बंदे लावारिसों की तरह भगते फिर रहे बीच हाईवे पे। मतलब जब मीटअप के नाम पे चूतिया काटा ना यूके भाई ने इन बंदों का, सही में भाई भगवान भी माफ नहीं करेगा यूके भाई को। चारे वो अपनी डिग्गियों पे डंडे खा रहे हैं यार ये बंदा भाई, सब गाड़ी से ही नहीं उतरा वहाँ पे। आज की वीडियो में इतना ही, होप करता हूं तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई ऐसे मीटअप में मजा आया करो यार, जहाँ पे तुम्हारी डिग्गी सुझाते पुलिस वाले। बात तो सही है।